मोदी पुतिन मुलाकात पर इस वक्त की अहम खबर है। रात 8:30 बजे विदेश सचिव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर्ष श्रृंगला देंगे मोदी पुतिन वार्ता की जानकारी। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला 8:30 बजे देंगे इस बारे में जानकारी कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई और क्या बातें दोनों के बीच में समझौते की शक्ल में सामने आ रही है। मनीष, इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, जहां दिनेश, देखिए, 5:30 बजे से जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग शुरू होगी, उनकी बातचीत का सिलसिला चलेगा और उसके बाद फिर बातचीत खत्म होने के बाद उनका डिनर होगा। डिनर के बाद जब प्रेसिडेंट पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे तो विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला पूरी बातचीत, क्या कुछ हुआ मोदी पुतिन के बीच में, क्या कुछ तय हुआ और फिर भारत और रूस ने आगे बढ़ने का किस तरह से फैसला लिया, इन सब की पूरी विस्तृत जानकारी हर श्रृंगला मीडिया को देंगे। आपको याद होगा कि अमूमन जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग होती है तो हम मीडिया वाले वहां मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना के मद्देनज़र इस बार मीडिया को वहां पर बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं दी गई और केवल मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम तरह के जो डेलीगेशन के लोग हैं उन सबको भी बहुत सीमित रखा गया है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से भी ये इच्छा थी तो इसीलिए बातचीत के बाद ये सारी डिटेल विदेश सचिव खुद साझा करेंगे, विदेश सचिव खुद बताएंगे 8:30 बजे। अमजद अयूब मिर्जा, ये जो बात चल रही थी अमेरिका और रशिया के हिसाब से, आप इसको क्या देखते हैं? क्या हिंदुस्तान को वाकई और एग्रेसिवली रशिया के साथ प्रॉक्सिमिटी, अपनी दोस्त तो है ही लेकिन ये और बढ़ानी चाहिए, क्या कुर्बतें? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू में भूल गया कि अपनी पूरी कौम को, अपने पूरे देश के वासियों को मुबारकबाद दूं कि इमरान खान ने बड़े दावे किए थे कि प्यूटन जी जो है वो बहुत जल्दी इस्लामाबाद पधारेंगे, लेकिन वो नहीं गए वहां और हमारे यहाँ आ गए और सारी डील्स वगैरह आप बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल इसलिए था आपसे अमजद अयूब मिर्जा कि चाइना और पाकिस्तान का इक्वेशन हम देख रहे हैं, क्या इस इक्वेशन के मद्देनजर हिंदुस्तान और रशिया की प्रॉक्सिमिटी और बढ़नी चाहिए, क्या वो काउंटर है इसका? देखिए, बढ़ रही है ना, ये जो प्यूटन साहब का दौरा है तो ये उसी की तरफ इशारा है कि ये बढ़ रही है और ये बढ़ेगी और उसको बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अमरीका पहले दिन से, अमेरिका जो है वो भारत की तरफ रहा है। 1948 में जब यूनाइटेड नेशन का सेशन चल रहा था, यूएन सीआईपी की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त अमेरिकन्स इस हक में थे कि पूरा जम्मू कश्मीर आजाद करवाया जाए, सीज फायर ना की जाए। ब्रिटिश ने माउंटबेटन के जरिए दबाव डलवा के सीज फायर करवाई, तो अमरीका तो शुरू दिन से हमारे साथ है। अमरीका के साथ हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे तालुकात खराब होंगे या अच्छे होंगे, हमारे अमेरिका के साथ हमेशा तालुकात अच्छे रहे। वो भी सेंसिबल मुल्क है, सेंसिबल लोग हैं, हम भी अमन पसंद और सेंसिबल, तो वहां उस फ्रंट पे मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, रूस के साथ हमारे तालुकात है ये दुरुस्त होने चाहिए, रूस के साथ दुरुस्त होने चाहिए, अमेरिका के साथ दुरुस्त है ही और रूस पुराना दोस्त है। बहुत धन्यवाद। और ये कह रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा की कुर्बतें तो हैं, कितनी सतह पर आती हैं, वो जो जरूरी है उतनी सतह पर आकर दिखाई भी दे जाती है। मसलन अभी की बात आप देख लीजिए, हमारे सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार 10:00 बजे TV9 भारतवर्ष पर।